आखिर बॉलीवुड साउथ की रीमेक क्यों करता है? इसका कारण बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, और कुछ लोग इनको यूट्यूब पर बार बार सर्च करते हैं लेकिन उनको एक परफेक्ट रीज़न नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कि उसको नज़रअंदाज कर देते, चलो छोड़ो यार, करता होगा बॉलीवुड साउथ की रीमेक, अपने को क्या, अपने को केवल मूवी देखनी है। सो बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, क्या बॉलीवुड वाकई में साउथ की रीमेक करता, या फिर बॉलीवुड के पास क्या कंटेंट की कमी आ गई है जिससे वो साउथ की मूवीज़ को उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बॉलीवुड को अब लग गया कि अगर साउथ की मूवी का रीमेक करेंगे तो हम यहाँ पर पॉपुलर हो जाएंगे? अब ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, इसका यहाँ पर रीज़न तो कुछ और ही हो सकता है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों, यहाँ पर बॉलीवुड के पास कॉन्टेंट की कमी भी है और कॉन्टेंट की कमी भी नहीं है। अब कमी है इसका मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर बॉलीवुड है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कुछ ओरिजिनल मूवी निकालता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो जाती है, और कुछ ओरिजिनल मूवी निकालता है वो फ्लॉप हो जाती है, और रीमेक तो आपको पता ही है फ्लॉप होती आ रही है। और कंटेंट की क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर क्रिएटर या फिर राइटर है जो कि अपना कॉन्टेंट दिखाते, बट यहाँ पर उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल पाता, और फिर वहाँ पर उनको फिर हाथ गंवाना पड़ता, जिससे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बॉलीवुड यहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी उनसे यहाँ पर वो कंटेंट को यहाँ पर मूवी में नहीं बदल पाता। और जिससे दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बॉलीवुड के पास यहाँ पर कंटेंट है लेकिन वो उसको यहाँ पर उपयोग नहीं कर पाता, और वही साउथ के पास है। साउथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, अगर उनको किसी चीज़ पर थोड़ा सा कॉन्टेंट दिखा तो वहाँ पर उसको इग्नोर कर दे, उनके बारे में रिसर्च करके उन पर मूवी बनाने की फुल कोशिश करता है या फिर किसी सीन में एड करता है। और दोस्तों, आप बॉलीवुड की जितने भी मूवी रीमेक ही हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में बताया बहुत सारी अपकमिंग मूवीज है जो कि रीमेक है, आप उन्हें देखा हो तो आप जाकर उसको देख सकते हो। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड मूवीज यहाँ पर रीमेक नहीं बनाता था, लेकिन जब से उन्होंने रीमेक बनाया तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ तबाही कर दी, जैसे कि वांटेड हो गई, यहाँ पर रावड़ी राठौड़ हो गई, सिंघम हो गई, उन्होंने की दख्त बॉलीवुड में यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर उभार आया, और उन्होंने देखा कि अगर हम इतनी रीमेक करते हैं तो थोड़ी और रीमेक कर देते हैं जिससे क्या पता हमारा बॉक्स ऑफिस और, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर बॉलीवुड ने फिर रीमेक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑडियंस समझ गई क्योंकि हिंदी डब्ड मूवीज यहाँ पर ऑलरेडी देखते थे या फिर साउथ की मूवीज ओरिजिनल लैंग्वेज में यहाँ पर सबटाइटल के साथ लोग देख लेते थे, जिससे रीमेक मूवीज को कौन ही देखेगा। और उनको बताया कि बॉलीवुड की अभी एक्टिंग भी इतनी कुछ खास नहीं है, कुछ है यहाँ पर एक्टर जो कि एक्टिंग करते हैं लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाता जैसी फिल्मों। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर मैंने इतना बता दिया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि दोस्तों, यहाँ पर बॉलीवुड रीमेक नहीं करता, साउथ भी यहाँ पर बॉलीवुड की कुछ मूवी का रीमेक करने वाला है, जैसे कि यहाँ पर थ्री इडियट है, ऐसे बहुत सारी मूवीज है जो कि आप सर्च कर लेना इंटरनेट से, मैंने यहाँ पर इतना सर्च नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी मूवीज जो कि साउथ भी रीमेक कर लेता है, लेकिन साउथ मूवी में अगर रीमेक होगा तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेंट थोड़ा अच्छा ही दिखाई देगा, या फिर थोड़ा अच्छी सी यहाँ पर एक्टिंग करने की कोशिश की जाएगी, बॉलीवुड से थोड़ा और सुधार किया जाएगा। बॉलीवुड भी ऐसा करता है परंतु उतना हो नहीं पाता जितना सोचा था। अब भोला मूवी को ले लो, कैथी मूवी का यहाँ पर स्क्रीन प्ले इतना बढ़िया था लेकिन भोला मूवी का स्क्रीन प्ले इतना बैड है कि आप सोच ही नहीं सकते कि भाई हम 3D में देख रहे हैं या फिर 2D में। सो अगर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।